ईडी की ओर से पूछताछ के संबंध में झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले का एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे विषय पर मुझे गिरफ्तार करने का फैसला सुनाया गया जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। जाली कागजात बनाकर फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। आगे सोरेन ने कहा है कि आज नहीं तो कल सत्य की विजय होगी। हाल ही में एक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बिहार हुआ, अब ये दूसरा शिकार झारखंड को बनाया जाने लगा है। जोहार, आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है, और भुइयारी जमीन क्या, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की, और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है, और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं।